अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरे सब सब्सक्राइबर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जो कि मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल रहेगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कफलिंग्स को किस तरह से स्टोर करते हैं। दीज आर द कफलिंग्स जो कि नॉर्मली हम हमारे हस्बैंड्स यूज़ करते हैं। नॉर्मली ये हमारे हस्बैंड्स, भाई और फादर्स यूज़ करते हैं, लेकिन चूंकि ये नॉर्मली डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होते, तो ये पड़े पड़े समटाइम्स जो है इनमें से इनका कलर फेड हो जाता है। लाइक जिस जगह पे पड़े होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो ड्रॉर्स वगैरह डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होते, साफ़ नहीं होते, तो समटाइम्स फंगस लग जाती है, समटाइम्स जो है छोटे छोटे से कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो उन सबको मैं एक रिकवर करने के लिए आपको एक होम रेमेडी भी बताऊँगी, और इन्हें सेव करने के लिए एक DIY जो है ऑर्गेनाइज़र भी बताऊंगी। ये सिंपल एक शर्ट का बॉक्स है जिसे मैंने कवर कर लिया, किसी भी गिफ्ट पेपर से आप कवर कर सकते हैं। ये देखिए, ये सिंपल एक शर्ट का, जो जेंट शर्ट्स होती हैं उसका बॉक्स है, मैंने उसे गिफ्ट शीट से कवर कर लिया। देखें फ्रंट बैक दोनों साइड से, होप कि क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा। कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये है लौंग, ये नॉर्मली साबुत गरम मसाले में आती है और हमारे खानों में यूज़ होती है। ये लौंग ले लें, 5-6 ले लें या 7-8 ले लें। इन्हें चारों कोनों में इस तरह से हमने रख देना, 4-5 ले लें, एक बॉक्स के लिए 4-5 इनफ है। उसके बाद ये प्लेन टिश्यू पेपर्स हैं, देखिएगा ये प्लेन टिश्यू पेपर्स लेके हम उन्हें इस तरह से नीचे बिछा लेंगे। हम पेपर भी बिछा सकते थे और कोई भी वो भी बिछा सकते थे, कोई और चीज़ भी, लेकिन टिशू पेपर्स को बिछाने की एक रीज़न ये होती है कि ये तो ना तो अपना कलर छोड़ते हैं, वाइट पे टिशू पेपर्स हमने यूज़ किए हैं, और ना ही इनमें लाइक कोई नमी का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आप कोई सा भी अपना फेवरेट परफ्यूम लेके उसे इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, अपने कफलिंग्स को डन बैठा इसमें इस तरह से अरेंज कर देना है। ये देखिएगा, ये देखिए सिंपली इसका अब हम लेड इस तरह से बंद कर देंगे। अब आप इसे अपनी कबर्ड में रखें या जहां मर्जी किसी भी कैबिनेट में, ड्रॉअर में, इजी टू एक्सेस हैं, इजी टू यूज़ हैं, इजीली जब आपको ज़रूरत हो आपने इसे ओपन किया, निकाला, यूज़ किया और वापस रख दिया, और जगह भी कम लेंगे और इजीली मैनेजेबल भी होंगे। आप चाहें तो ऊपर टैग लगा सकते हैं कफलिंग्स का और कबर्ड में रख सकते हैं, इजीली आप जब चाहें इसे ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ एक प्रोडक्ट का। ये बॉडी लोशन है, ये कोई चाइनीज़ ब्रांड है, आई डोंट नो इट्स नेम, ये मुझे गिफ्ट मिला था इसलिए मुझे आई डोंट नो इट्स नेम, लेकिन ये लैवेंडर और लाइलेक में है और ये बहुत अच्छा कूलिंग और आपको रिफ्रेशिंग इफ़ेक्ट देता है। और ये इस तरह की पम्प साइज़ बॉटल में आता है, और ये मैं आपको इसका एक पम्प लेके भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसका इस तरह सा थिक एंड क्रीमी टेक्सचर है, और ये देखिएगा और ये देखें,
इतनी इजीली ये एब्जॉर्ब हो जाता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा. और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे. और जैसे ही कोई और नई मज़ीद वीडियोस होंगी मैं आपके साथ वो भी अपलोड करूँगी, कुकिंग की वीडियोस भी अपलोड करूँगी, डिफरेंट चीज़ों के रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी. और उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.